वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ लेकल आल्सो साउंड्स गुड, बट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले 42 आवर्स में, नेक्स्ट 42 आवर्स में उनका क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, सभी रीडिंग्स की तरह कलेक्टिव है, यानी सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो हो सकता है आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट करें या ना करें। आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले उसे आप देख पाए। ओके चलिए ठीक है, दिस एंड और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरैक्शन चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सो लेट्स सी। ओके ओके किंग ऑफ वैंस, ओके दिस इज वी हैव किंग ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, What is the six of cups? Beautiful. Wands, pentacles and cups. Wands, pentacles and cups and pentacles. Six of pentacles and six of cups. Six की energy double है. King और queen की energy का भी एक pair है. यानी कि एक pair है. Queen and king का और six का भी एक pair है. Six of cups and six of pentacles. Interesting. Okay. I hope visible हैं सभी cards आपको. होने तो चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि अगले 42 आवर्स में वो क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर कि पहली बात एक्शन जरूर लेने वाले हैं, ये बात 40% अप्लाई होगी और बाकी का 60% ये अबाउट टू टेक एक्शन होंगे, लेकिन अपने आप को रेजिस्ट कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि ये सोचेंगे कि मुझे एक्शन लेना है, प्लान कर लेंगे कि ठीक है मुझे क्या एक्शन लेना है, कॉल करनी है, मैसेज करना है, या यू नो सिर्फ इतना ही कुछ करना है कि आपकी पिक्स लाइक करना, या यू नो कुछ किसी और के थ्रू, किसी और की आईडी, किसी और की प्रोफाइल से आपसे बात करना, फेक बन के फेक प्रोफाइल से बात करना, कुछ भी ऐसा आपकी तरफ करना, या आपके लिए कोई डिसीजन लेना, यू नो आपको अप्रोच करना किसी भी वे में, ऐसा हो सकता है। बट ये 40% लोगों के लिए होगा कि ये ऐसा कुछ डिसाइड करके करेंगे जरूर, और बाकी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लान जरूर करेंगे पर अपने आप को रोक लेंगे, ऐसा कुछ रियल में नहीं करेंगे ऐसा लगता है। यस, तो जो 40% लोगों के लिए ये ऐसा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि यहाँ पर ये बात रियलाइज करेंगे और मिस करेंगे आपको। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड नॉस्टैल्जिक वाइब देता है, मिसिंग एनर्जी भी बताता है, जैसे कोई किसी को याद कर रहा है, कोई अपने पास्ट को याद कर रहा है, कोई अपना पास्ट का टाइम याद कर रहा है, तो वो याद कर सकते हैं व्यूअर्स अगले 42 आवर्स में कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या बातें की थी, क्या क्या मोमेंट्स शेयर किए थे आप दोनों ने। ओके आप दोनों का क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड हुआ था, और आपने आपके साथ जो उन्होंने वक्त बिताया है, जो समय बिताया है, चाहे बात करके चाहे आपसे मिलके, वो सब अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे, रिवाइंड करेंगे, फ्लैशबैक की तरह ये सब उन्हें नजर आएगा, दिमाग में चलेगा उनके, तो वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको मिस जरूर करने वाले हैं। ओके आप में से काफी लोग इन्हें काफी सालों से जानते हैं, लाइक दो तीन साल से ज्यादा से जानते हैं आप इन्हें, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा लग रहा है कि जब आप लोग इनसे मिले थे तब काफी इमेच्योर थे, और अब आप आज जहां पर हैं वो काफी मेच्योर स्टेट पर हैं, तो काफी समय से आप इन्हें जानते हैं, ये बात तो यहाँ पर दिखती है, और ये मिस भी करेंगे आपको अगले 42 आवर्स में। साथ ही साथ व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि 40% लोगों के लिए जो है ये एक्शन जरूर लेंगे
और वो एक्शन इसीलिए होगा क्योंकि ये अगले 42 आवर्स में आपको मिस करने करने के साथ साथ ये बात भी रियलाइज कर पाएंगे कि आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर एक्सचेंज नहीं है, यानी कि जितने एफर्ट्स दोनों को डालने चाहिए एक दूसरे के लिए उतने नहीं डाले जा रहे हैं, या इनकी तरफ से इक्वल एफर्ट्स नहीं हैं, या यू नो प्रॉपर एक्सचेंज इस वे में नहीं है कि कभी किसी ने ज़्यादा बात कर ली तो किसी ने इग्नोर कर दिया, कभी आपने इग्नोर कर लिया तो उन्होंने चेस करके दिखा दिया, तो बैलेंस किसी भी वे में नहीं दिखा इनको। और ये रियलाइज भी कर पा रहे हैं कि प्रॉपर एक्सचेंज नहीं है। सपोज आज आप फील कर रहे हैं व्यूअर्स उनके लिए कुछ रोमांटिक, लेकिन आज वो आपसे सारी बातें लॉजिकल ही करेंगे, प्रैक्टिकल ही करेंगे, आपसे बोलेंगे कि इतना इमोशनल मत हो। और अगर सपोज कभी वो इमोशनल हो जाते हैं तो आप भी बोल सकते हैं कि इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा लगता है कि एक्सचेंज आपका इक्वल नहीं है दोनों तरफ से, तो ये बात वो रियलाइज करेंगे। और ये सोचकर कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तो ये सोचकर वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 40% लोगों को अगले 42 आवर्स में ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी 60% लोगों के लिए ये प्लान जरूर कर लेंगे कि हाँ ठीक है कॉल करना है, ये बात समझ में आई है, लेकिन फिर ये करने से पहले रुक जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, तो ये एक्शन लेते लेते रुक जाएंगे बाकी 60% लोगों के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि इन्हें ये फैक्ट रियलाइज हुआ है कि या तो सब कुछ आप ही करते रहे व्यूवर्स, इन्होंने किया नहीं, या इन्हें लगता है कि इन्होंने किया है और आपने नहीं किया है, तो ये भी एक इशू हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो एक्सचेंज है, चाहे कम्युनिकेशन का है, फीलिंग्स का है, चाहे गिफ्ट्स का एक्सचेंज है, सब कुछ इक्वल रहे। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति करता जाए, सेक्रीफाइस करता जाए, एफर्ट्स लेता जाए और दूसरा बस उसको एंजॉय करे। तो कहीं ना कहीं ये भी अब एफर्ट लेना चाहते हैं, इसीलिए कॉल कर सकते हैं। और कई लोगों को कॉल करने करते करते रुक भी सकते हैं ये, तो ये 40-60 का रेशियो मैंने आपको बता दिया है। ओके, मुझे यहाँ पर व्यूअर्स किंग और क्वीन का भी कार्ड नजर आ रहा है, 6 का भी डबल नजर आया है। ऐसा हो सकता है व्यूअर्स आप इन्हें 6 साल से जानते हैं, 6 महीने से जानते हैं, या 6th मंथ में आप इनसे मिले थे। 6th मंथ कौन सा होता है? जून। जून ही होता है, तो जून में आप हो सकता है इनसे मिले थे, या जून में आपका या इनका जन्मदिन आता हो। अगर ऐसी बात नहीं है तो 6 तारीख को आप इनसे मिले हो सकते हैं, 16 तारीख को आप इनसे मिले हो सकते हैं, 6 दिन पहले आपकी बात हुई थी, या 6 दिन पहले आपकी लड़ाई हुई थी। समथिंग इज रिलेटेड टू 6, वो आप बेहतर जानते हैं क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है, तो ऐसा ही कलेक्टिव मैसेज आएगा सबके लिए। ठीक है, डिटेल में इसको आप समझ पाएंगे। यहाँ पर व्यूअर्स किंग एंड क्वीन का भी कार्ड है जो बताता है एक पेयर को, यानी कि एक परफेक्ट पेयर जो होता है, एक परफेक्ट कपल जो होता है, वो दर्शाता है। जब हम कहते हैं कि एक किंग है तो एक क्वीन है, ठीक है, और हम कहते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि इनकी जोड़ी उनकी जोड़ी, कभी कभी उदाहरण में कहते हैं शिव पार्वती की जोड़ी, ऐसा बोलते हैं लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, ऐसा हम बोलते हैं। और बिल्कुल किंग और क्वीन को भी उसी तरह संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जोड़ी पहले से ही नजर आ रही है, एक कपल पहले से ही नजर आ रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी एक कपल हैं। अगर व्हाट्स रॉन्ग विद माय टंग, ओके लीव इट, अगर आप लोगों का रियल वर्ल्ड में अभी, यानी कि करेंटली आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, आप लोग अभी कपल्स नहीं हैं, पहले थे, या वो आप अब, या फिर यू नो कपल वाली सिचुएशन अभी आई नहीं है, या आ चुकी थी अब खत्म हुई है, यू नो सेपरेशन हुआ है, या कुछ ब्रेकअप हुआ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी भी तरह से आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो भी रियल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है कि आप लोग अलग अलग हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या मैं कहूँ डिफरेंट डायमेंशन में, ऐसा ही लगता है जैसे आप लोग एक कपल ही हैं, चाहे दूर रह रहे हों, यानी कि एक कपल जो अलग अलग रहते हैं दोनों, बट हैं वो एक कपल ही, एक पेयर है उनका, एक जोड़ा है उनका। तो किंग और क्वीन, और किंग और क्वीन अपने आप में बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटीज होते हैं, ऐसा नहीं है दोनों में से कोई वल्नरेबल है, दोनों में से कोई नीडी है, दोनों में से कोई डेस्परेट है, दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, दोनों की पर्सनालिटी कंपेटिटिव है, दोनों का जो कॉन्फिडेंस है वो इक्वल है, दोनों का ऑरा जो है वो भी ऐसा लगता है कि बहुत पावरफुल है दोनों का ही ऑरा, तो ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल यू नो क्या कहते हैं, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, एक दूसरे की परछाई है दोनों। अगर वो आपको देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनका पास्ट वर्जन हो या करंट वर्जन हो, या आप उनको देखोगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि या तो ये मेरे पास्ट वर्जन है या ये आपके फ्यूचर वर्जन भी हो सकते हैं।
तो आप में यू नो टाइम का गैप हो सकता है कि ये मेच्योर हुए हैं और अगर आप नहीं हुए, या आप मेच्योर हो गए हैं ये नहीं हुए, तो अलग अलग वर्जन्स देख सकते हैं आप अपने आप के सामने, अपने यू नो रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। जैसे आप इन्हें देखें तो आप ये कहें कि बिल्कुल ऐसा ही मैं बिहेव किया करता था या किया करती थी पहले, पर अब मैं चेंज हो गया हूँ। या ये आपको देखे तो ये बोले कि ये बिल्कुल मेरी तरह बिहेव करते हैं जब मैं पहले ऐसे करता था या करती थी। या ऐसा हो सकता है कि अभी आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है, तो जब ये फ्यूचर में कुछ अलग हो जाएंगे या अलग बिहेव करेंगे या मेच्योर और हो जाएंगे, लाइफ चेंज होगी, तब आपको ऐसा लग सकता है या इन्हें, तो एक वर्जन ऐसा है एक दूसरे का जो मैच करता है। जब आप आगे जाके और चेंज या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तब इन्हें लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह हो गए हैं जैसा मैं पास्ट में था, ओके, या पास्ट में थी। तो एक दूसरे का आप रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है एक दूसरे की परछाई है और बहुत पावरफुल है। तो व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं अगले 42 आवर्स में। यानी कि ऐसा लगता है कि इनका जो पैशन है, इनकी सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल एंड सेंशुअल एनर्जी जो है, वो आपकी तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड रहेगी, आपकी तरफ ज़्यादा यू नो अट्रैक्टेड रहेगी। एक मैग्नेटिक पुल फील करेंगे आपके लिए ये, और आउट ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा एक लगाव महसूस करेंगे। लगाव एक इमोशनल तो है ही, लेकिन ये फिजिकल कंपैटिबिलिटी की भी बात हो रही है कि ये आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे अगले 42 आवर्स में, ऐसा लगता है। अगेन वेंट्स की एनर्जी भी मुझे एक कम्युनिकेशन की और पैशन की भी, दोनों की वाइब दे रही है। तो फिर से यही बात आती है कि ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर ये इतना अट्रैक्शन और इतना ज़्यादा पुल आपकी तरफ फील करेंगे, तो ज़रूरी ऐसा हो सकता है, ऐसा है कि आपको ये कॉल ही कर ले, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की भी वाइब देता है। ओके, आउट ऑफ अट्रैक्शन इन्होंने बात कर ली सडनली, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स के काफ़ी लोगों को, लाइक 10-20% लोगों को वो कोई कमिटमेंट दे दें या फ्यूचर स्टेबिलिटी की सिर्फ बातें करें आपसे। यू नो आपसे सिर्फ ऐसी ऐसी बातें भी कर सकते हैं कि हाँ, मैंने फ्यूचर का सोचा है, या मैं सोच रही हूँ, या मैं सोचूंगा, मैं घर वालों से बात करूंगी करूंगा, या मैंने अभी प्लान करना शुरू किया है, या फिर मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ। तो कुछ फ्यूचर रिलेटेड, स्टेबिलिटी को रिलेटेड बातें हो सकती हैं, यानी स्टेबिलिटी के बारे में कि फ्यूचर में कैसे स्टेबल होना है, क्या सोचा है अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए, आपके लिए फिर वो किस तरह से यू नो एफर्ट्स लेंगे आगे। तो हो सकता है कि 10-20% लोगों के लिए ये भी हो कि ये अपने अपने फ्यूचर की बात आपसे करें, अपने लाइफ आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए कोई बातें आपसे कहें। ज़रूरी नहीं है कि कमिटमेंट ही हो या प्रपोजल ही हो, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, हो भी सकता है कि ये आपको कोई प्रपोजल दें या कोई कमिटमेंट दें, या सिर्फ आपसे अपने आइडियाज़ शेयर करें कि हम ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर में, या हमें ऐसा करना चाहिए। फॉर 10-20% लोगों के लिए ये बात लग रही है मुझे कि आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं इन अदर वेज ऑल्सो, सिर्फ कमिटमेंट देकर ही नहीं। हो सकता है कमिटमेंट दें, हो सकता है ना दें, लेकिन आपको इनकी बातों से समझ आ जाए कि ये मेरे साथ फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग हियर। ओके, व्हिच टेक आई शुड यूज, दिस वन। व्यूअर्स, आपके और इनके नाम में जे हो सकता है, जे फॉर जोकर, के हो सकता है, KASHRMNTDE, ये कुछ अक्षर है जो आपके या नाम में या इनके नाम में भी हो सकते हैं। ओके, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क। व्यूअर्स, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपनी रियल फीलिंग्स, अपने रियल इमोशंस, या अपने रियल थिंकिंग जो है वो अब तक आपको एक्सप्रेस नहीं की है। यानी कि इन्होंने अभी आपको रियलिटी बताई ही नहीं है काफ़ी बातों को लेके, जो अभी बताना बाकी है। तो ये कुछ छुपा जरूर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कोई नेगेटिव बात हो, सिर्फ इतना भी हो सकता है कि ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। ठीक है, यस, ये आपको याद कर रहे हैं, ये बात छुपा रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपका धर्म अलग है, या आपकी कास्ट अलग है, या आपका कल्चर अलग है, डिफरेंट कंट्रीज से हो सकते हैं, एज गैप भी हो सकता है। ओके, तो ये एक इशू लगता है आप उनको और आपको भी शायद, पर उनको तो लगता है कि ये इशू बन सकता है, इनके लिए नहीं, बट फॉर सोसाइटी, फॉर फैमिली, फॉर रिलेटिव्स, ये एक इशू बन सकता है।
कीप एन ओपन माइंड। तो व्यूअर्स, आपकी हो सकता है इनसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरे जो लाइफ पार्टनर होंगे वुड बी हस्बैंड होंगे या वुड बी वाइफ होंगी, उन्हें ऐसा होना चाहिए, उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो मुझे इस तरह से ट्रीट करें, मुझसे बात करें तो ऐसे करें, मुझे सरप्राइज करें और मुझे अपना प्यार एक्सप्रेस करते रहें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसा एक्सपेक्ट किया है वैसा ही आपका लाइफ पार्टनर हो। हो सकता है डिवाइन ने कुछ और सोचा हो, आपकी डेस्टिनी में एक डिफरेंट क्वालिटीज़ वाला, डिफरेंट कैरेक्टर और पर्सनैलिटी वाला लाइफ पार्टनर हो, जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ना हो, बट यूनिक होगा इन देयर ओन वे, डिफरेंट होंगे वो। और आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सिर्फ इस बात की कि वो आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइन हैं, लॉयल हैं। हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप ओवर एक्सपेक्ट करेंगे अपने वुड बी पार्टनर से तो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो आप ओपन माइंडेड रहें कि आपका जो भी सोलमेट है, आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, वो आपकी अपेक्षाओं से थोड़ा अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है, परंतु आपको अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए वो करना है, सज्ज करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, लास्ट कार्ड है चिल्ड्रन। हो सकता है व्यूअर्स आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ चिल्ड्रन नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि उनके बच्चे हों या नहीं है तो होने वाले हों, नहीं है अगर ऐसा कोई बच्चों की बात नहीं है, या किसी मैरिड पर्सन को अगर आप डील नहीं कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि आप इन्हें बचपन से जानते हैं। ये वाइब मुझे पहले भी आई थी, मुझे दोबारा ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली आपके और इनकी बचपन से दोस्ती बनी रही, लेकिन हो सकता है आप में से काफी लोग इन्हें बचपन से जानते हैं। या ये भी हो सकता है कि इनका चाइल्डहुड थोड़ा टफ रहा है, यानी कि हो सकता है कि जब ये छोटे थे, बच्चे थे, तो या तो ये यानी कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स होंगे इनकी इनके फैमिली में जब ये बच्चे होंगे, या इनके पेरेंट्स का कुछ इशू होगा आपस में, या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स में से कोई एक ना हो, माँ ना हो या पिता ना हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं, रिलेटिव्स थोड़े इनके कनिंग हों, थोड़े मीन टाइप के हों, तो हो सकता है कि इनके इनका जो चाइल्डहुड है वो थोड़ा टफ रहा है और इसी वजह से ये अपना जो भी अटैचमेंट किसी के साथ देखते हैं या कनेक्शन किसी के साथ देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे, ये व्यक्ति मुझे बहुत स्पेशल फील कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को मिस करते हो सकते हैं। तो ये भी नज़र आता है। ओके, व्यूअर्स, आपका और इनका बर्थ मंथ हो सकता है मे, जुलाई, जून, दिसंबर, मार्च, अगस्त एंड मई बोल दिया मैंने। ओके, मई, ओके, ये कुछ महीने लग रहे हैं मुझे जिसमें आपका और इनका जन्मदिन हो सकता है। आपके और इनकी डेट ऑफ बर्थ व्यूअर्स हो सकती है 6, 16, 26, 12, 22, 2 and 1 and 11, 21, 31, 2 बोल दिया मैंने ऑलरेडी आपसे, ठीक है, 4, 4, 14, 24, 17, 7, 27, तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट्स और ये बर्थ मंथ आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है। आइए चलिए देखते हैं, एक डिवाइन मैसेज लेते हैं आप लोगों के लिए। व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है, हाँ मुझे एक ही लेना है, ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर कि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी वाइसली सोचना चाहिए, यानी कि हो सकता है कि आप एक मैच्योर पर्सन हैं, लेकिन कभी कभी आप इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आप वाइसली नहीं सोच पाते, बस एक रिएक्शन दे देते हैं बातों का, या इमोशनल होकर कुछ बातें कह देते हैं या कर देते हैं। तो आपको वाइसली सारी चीज़ें करनी है, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी डील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है लाइफ पार्टनर को, आपको वाइस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ड्रीम टैरो चैनल को, और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ,
जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, तो फिर और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल।